Morning class. Today we are going to discuss about the financial management. We already learned what is the financial management. Okay, to manage the finance is known as the financial management, and it is the duty of the managers, financial managers, to manage the finance of the organization in a proper way. Okay, that means proper utilization of finance according to work. Now the financial management is divided into three parts, that is investment decision, dividend decision and financing decision. Okay, so financial management is divided into three parts: investment decision, dividend decision and financing decision. Now just take an example. Suppose you want to start a business and you had collected 10,000 rupees. आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने 10,000 रुपीज़ कलेक्ट किया, ठीक है। अब इस 10,000 रुपीज़ को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने अगर मान लो हम किसकी दुकान खोल लें, चलो पानी पूरी की दुकान खोल लेते हैं, अगर हमने 6,000 रुपीज़ स्पेंड किया उस स्टॉल को परचेस करने में, यूटेंसिल परचेस करने में और जो है वो गैस स्टोव ये सब परचेस करने में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जा रहा है फिक्स एसेट्स, है ना। हमने 6,000 इन्वेस्ट किया फिक्स एसेट्स में और उसके बाद जो 4,000 मिलेगा ये हमारा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल में, मतलब पोटैटो और स्पाइसेस एंड प्लेट्स एंड ग्लासेस, है ना, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन वाले हैं। ये तो एक ही बार में हो गया, रोज रोज नहीं खर्चा किया जा सकता, लेकिन ये रोज रोज वाला खर्चा है। सो 10,000 आपने इकट्ठा किया, खर्चा किया 6,000 एज अ फिक्स एसेट्स में और 4,000 एज अ वर्किंग कैपिटल में। फिर दोनों को मिला के जो भी प्रॉफिट हुआ तो शाम को आपके पास है 15,000 रुपीज़। ये सिंपल से एग्जांपल है फाइनेंस का, ठीक है। अब देखो आपके पास तीन अमाउंट हो गया, एक ये 10,000, दूसरा ये 6,000 एंड 4,000 और तीसरा ये 15,000, है ना। तो ये जो पहला 10,000 है इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। मतलब ये 10 फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब ये 10,000 आपके पास कहाँ से आया, आपने कैसे इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा करने का जो वे है उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये आपका हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, क्लियर हो गया। दूसरा ये जो 6,000 और 4,000 है ये आपने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, कुछ फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, समझ में आ गया। और फिर ये जो 15,000 आया, इस 15,000 को आप क्या करोगे ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक। पहला जो पैसा आपने इकट्ठा किया कहाँ से इकट्ठा किया, इट इज नोन एज द फाइनेंसिंग डिसीजन। आफ्टर दैट वेयर यू इन्वेस्टेड इट इज, इट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड व्हाट आफ्टर दैट व्हाट यू हैड डन विथ योर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हुआ है उसका आप अब क्या करेंगे, क्या डिसाइड कर रहे हैं उसके बारे में, इट इज नोन एज द डिविडेंड डिसीजन। यही तीनों डिसीजन यहाँ पे है, देख लो। सबसे पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर टू पे है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। नाउ अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट द फाइनेंस, हम फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करेंगे, पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो दो वे है, हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी। या तो हम अपने डिबेंचर्स इशू करेंगे या हम अपने इक्विटी इशू करेंगे, ठीक है। इसको मतलब प्रॉपर वे से हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ 6,000 और 4,000 इन्वेस्ट किया ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ऐसे ही टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये 6,000 जिसको हमने फिक्स एसेट्स कहा और ये 4,000 जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देखो फिक्स एसेट्स इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फिक्स एसेट्स को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं क्योंकि फिक्स एसेट्स आर नोन एज द कैपिटल एसेट्स,
है ना, वो कैपिटल गुड्स कहे जाते हैं। मशीनरीज जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स कहे जाती हैं, ठीक है। सो फिक्स एसेट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट हमें दो जगह करना है, कहाँ करना है, एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन करना है जो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी होती है, एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। एसेट्स आपने ले ली, मशीनरी अगर बड़ी बड़ी मशीनरी कार को बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीनरी करोड़ों रुपए की एक एक मशीनरी अगर स्टैब्लिश हो गई तो वो रोज रोज नहीं खरीदी जा सकती। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा अगर ऑपरेशन थिएटर में एक मतलब नियर अबाउट 10-12 करोड़ रुपीज की एक मशीनरी सेटअप हो गई तो वो हो गई, वो रोज रोज नहीं चेंज हो सकती है, है ना। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी होती है। जनरली लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी अगर हम कहें तो कई बार हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कंपनी की लाइफ कितनी है, 100 साल, 150 साल, 200 साल, या तो कंटिन्यू करती हो तो फिर उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्लियर है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मतलब द फंड दैट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, रोज रोज के ट्रांजेक्शन के लिए जो चाहिए होता है पैसा, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये एक बार इन्वेस्ट हो गया तो हो गया, इसका रिटर्न लॉन्ग टाइम में आएगा, लेकिन इसका रिटर्न आता जाएगा। ये कैश ट्रांजेक्शन, प्रोडक्शन हुआ फिर सेल हुआ, प्रोडक्शन हुआ फिर सेल हुआ, ये जो है ये रिवर्स होता जाएगा, ये साइकिलिंग है, कैश में कन्वर्ट होता जाएगा, लिक्विडिटी होती जाएगी इसकी। लेकिन इसकी लिक्विडिटी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये इसका हमने फिक्स एसेट्स परचेस किया है ना, वो एक दिन में उसका जो है वो नहीं निकल पाएगा पैसा। नाउ लेट अस गो फॉर द, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड डिविडेंड डिसीजन, जो प्रॉफिट आपको हुआ वो प्रॉफिट आप क्या करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नंबर 1 रिटेन अर्निंग्स, नंबर 2 डिविडेंड्स। जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, कुछ रिजर्व रख देती है और कुछ शेयर होल्डर्स को पे करती है। जैसे आपके पेरेंट्स की सैलरी आई, जब आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है तो वो क्या करते हैं, कुछ रिजर्व रख देते हैं, भाई अगर घर में कोई बीमार हुआ, ये ठीक है कि बीमार नहीं होगा, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रिजर्व तो रख ही जाता है ना, कि भाई सडनली कभी कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज नोन एज द रिटेन अर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये उसी प्रॉफिट का पार्ट है, इसे हम कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, है ना। जैसे पेरेंट्स ने रखा कि भाई 10,000 रुपीज़ रख दे, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कभी किसी को चोट लग गई या बीमार हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो 10,000 अब किसी को चोट लगेगी तो ही खर्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा ना, वो रिटेन अर्निंग है, रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कहीं और भी खर्चा कर सकते हैं। सो रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बल्कि हर महीने में अगर हम 10,000 करके इस तरह से रखते जाए रिस्क के लिए, तो हमारा जब 50-60,000 हो जाएगा तो हम उसमें और कुछ काम कर सकते हैं, जैसे एसी ले लें, फ्रिज ले लें, रेफ्रिजरेटर ले लें, व्हाट इट में भी, है ना। तो रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट्स अ रिजर्व, ये एक रिजर्व होता है जिसको फर्म रख देती है इमरजेंसी के लिए या फिर कंपनी के एक्सपांशन के लिए। अगर चाहती है कि कंपनी को वो एक्सपांड करे, आगे और बढ़ा के लेके जाए, तो डिविडेंड डिसीजन कम करेगी, है ना। आपके पेरेंट्स खर्चा कम करेंगे ना, अगर वो बड़ा घर आपके लिए लेना चाहते हैं तो क्या सैलरी का पूरा हिस्सा खर्चा कर देंगे। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को पे करना, फीस पे करना, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं आपके, मतलब बुक्स का, कॉपीज का, खाने का, पीने का, है ना, सब चीज़ों का, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उन सब का पेमेंट जो है, दैट इज नोन एज द डिविडेंड आपके लेवल में। इसी तरह से कंपनी भी अपने जो भी प्रॉफिट होता है, टेक द एग्जांपल, अगर 100 रुपीज, यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ था 5 रुपीज का, 10,000 लगाया था, 10,000 इन्वेस्ट किया, 15,000 आपको मिला, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सिर्फ 5,000 ही है, 15,000 इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 5,000 ही है ना, क्योंकि 10,000 तो आपने इन्वेस्ट किया था, वो वाले पैसे वो वापस भी तो करने, सिर्फ 5,000 में से डिपेंड करता है कि फर्म कितना रिटेन अर्निंग रख रही है और कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, समझ में आ गया। देखो फर्स्ट है फाइनेंस डिसीजन, पैसा आएगा कहाँ से, सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा खर्चा कहाँ कहाँ होगा, और थर्ड वन जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे, कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे और कितना हम उसको एज अ रिटेन अर्निंग रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियरली समझेंगे। थैंक यू।